मेरा यह मनना कि अज सानू रब रखे छड्या गया वा अपनी देश की सरकार को ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए का रेवन्यू लॉस वो कह रही ने सरकार मान लिया है वा पर मतलब यह है कि आप लोगों रब आसरे छड़ दिए मतलब कुदरत के रहमो करम से छड़ दिए अपना कोई रोल नहीं गा मुल्कताई वाला फैसला देख लो सारा कुछ बंद करता ठेके शराब के खुले छड़े ने सिर्फ 500 रुपए का राशन दिता वो भी साड़िया फोटो होनी चाहिए ने पिछले 2 महीनों के 500 रुपए का राशन दे के अपना पला झाड़ लिया पंजाब सरकार ने। कोरोना का कहर जारी है, मामलों में लगातार वाधा हो रहा है। आए दिन कई कई मरीज कोरोना की भेट चढ़ लगे ने, जिसनों देखद्या पंजाब सरकार वालों वीकेंड लॉकडाउन लाने का ऐलान भी किया गया है। सरकार का मानना है कि वह कोरोना नाल नजिठण लई ढुकवें प्रबंध भी कर रही ने, पर दूजे पासे विरोधी धिरां सरकार के दाव्यां नूं फोका ते निराधार दस रही ने। पुलत तो विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने सरकार के फैसलों से फिर तो सवाल खड़े किए ने। खैरा मुताबिक सरकार ने लोगों नूं रब आसरे छड़ दिता है और खुद शराब बेच के दोवें हथी पैसा बटोरन विच लगी है। खैरा ने दोष लाया कि जिथे चंगे चंगे मुल्क कोरोना अगे गोडे टेक चुके ने, उत्थे ही भारत सरकार ने लोगों नूं पूरी तरह खुल दे दिती है, जिस नाल स्थिति हर रोज होर भी विगड़न लगी है। दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल जिहड़े मौजूदा साडे सूबे दे ते साडे देश दे कोरोना वायरस दे हालात उहदे ते संखेप चर्चा करन लई हाजिर होया वां। तुसीं सारे जाणदे हो कि जदों इह बीमारी सारी दुनिया विच वधन लगी सी तां उस वेले इंडिया और पंजाब ने कंप्लीट लॉकडाउन करता सी, कर्फ्यू लाता सी 60 दिन वास्ते। मैं समझता कि ठीक फैसला सीगा और उन्हां 60 दिनां दे विच रीजनेबल कंट्रोल रहा इस बीमारी दे उत्ते। हाँ ऑफकोर्स जिहड़े सैल्फ इंपलॉयड ग्रुप सीगे, जिहड़े गरीब आदमी, उन्हां तक मुश्किल आ रही सी। माइग्रेंट लेबर नूं जाण आउण दी बहुत मुश्किल आई, तकलीफां सन लोकां नूं, लेकिन यह बीमारी जिहड़ी सीगी रीजनेबल कंट्रोल तक सीगी। जदों दा हुण कैप्टन साहब ने ते मोदी साहब ने देश नूं दम खोल दित्ता वा बिना किसी प्रॉपर रोड मैप तो, बिना किसी प्लैनिंग तो। तुसीं देख रहे हो कि इस वक्त इंडिया जिहड़ा वा वह इटली नूं भी क्रॉस कर गया ते यूके नूं भी क्रॉस कर गया, शायद दुनिया में चौथे नंबर के उत्ते बीमारी नाल अफेक्टिड साडा देश बन गया। जे आपां पंजाब की गल करिए ते तुसीं देख रहे हो कि एकदम सारे पंजाब दे विच उस तरह चहल पहल हो गई आ, जिहदे नाल कि यह बीमारी पंजाब दे विच भी बहुत वध रही। कल 5 मौतां होईआं ने और 65-70 जिहड़े नवे मामले करोना के आए ने। और इत्थे कहना जरूरी आ कि या तो होवे ना कि साडे देश दे विच बहुत वड्डा प्रबंध है इस नूं डील करन वास्ते। अपने को हर काम की शॉर्टेज है, जिहड़ी दिल्ली की सरकार दे बहुत आपां सारे गुण गाउंदे सीगे कि दिल्ली के हस्पताल, दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिते ने। तुसीं देख रहे हो कि दिल्ली तो बहुत सारे मरीज जिहड़े ने उह दूजे सूबिआं च जिहड़े पंजाब नाल कनैक्टेड उह सारे पंजाब वल नूं आ रहे ने कि असीं इत्थे अपना इलाज कराईए। और मैं देख रहा सी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अज ही अपील कर रहे ने कि सानू बहुत सारे होर डॉक्टर्स चाहिए ने, बहुत सारिया होर नर्सिस चाहिए ने। इहदा मतलब दिल्ली दे विच उहनां दे कोल ना इन्ने बैड्स का प्रबंध आ, ना इन्निया वेंटीलेटर्स का प्रबंध आ, ना उहनां दे कोल इन्ने डॉक्टर्स ते नर्सिस का प्रबंध आ, बल्कि होटेल्स नूं स्टैंड बाय किया गया वा। यह गल मैं कैपिटल की कर रहा, फर्ज़ करो ये महामारी दे करके ये बीमारी होर ज़्यादा तेजी नाल फैलन लग गई तो कौन जिम्मेवार होवेगा। अंग्रेजी कहिंदे ने पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। कई बार आप छोटी छोटी गल ते किरस करन लगे, बहुत सोच विचारा ना काम करी दा, खर्चा करी दा, ते जदों वड्डे खर्चे वाली गल करदे तां आपां मूर्खताई वाले पासे नूं तुर पैने। मेरा यह मनना कि अज सानू रब राखे छड्डिया गया वा अपनी देश की सरकार नूं, और उहनां दी मजबूरी सीधी सीधी जिहड़ी आ गवर्नमेंट्स दी उह रेवन्यू दी घाट होण करके आ, उहनां दी आमदन घट गई सीगी। चाहे आपां देश पद्धर दी गल करिए, पंजाब तुसीं सुन रहे हो कि पंजाब नूं पिछले 2 महीनों की करोना वायरस के करके ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए का रेवन्यू लॉस वो कह रही ने सरकार मान लिया है वा, पर मतलब यह है कि आप लोगों रब आसरे छड़ दिए मतलब कुदरत के रहमो करम से छड़ दिए अपना कोई रोल नहीं गा। इस दौरान सुखपाल खैरा ने लोगों अपने घर रह के अपना बचाव खुद ही करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने भी लॉकडाउन ढिल के फैसले से मुड़ तो विचार करनी चाहिए है और स्थिति देखद्या ही लोगों खुला देनिया चाहिए ने। सैटरडे संडे फिर वीकेंड तो बंद करना पै कैप्टन साहब, क्यों बंद करना पै? क्योंकि उन्होंने डर लग रहा वा कि बीमारी होर पंजाब ज़्यादा फैल रही। कल 5 बंदे
अक्सर मरे ने पंजाब दे विच, पर मूर्खताई वाला फैसला देख लो, सारा कुछ बंद करता, ठेके शराब के खुले छड्डे ने, एक चर्चा का विषय बना लेंगे ने आप ही। इहदा मतलब यह आ कि उन्होंने आमदन की ज़्यादा फिक्र है कि सानू शराब तो आमदन होवे। पिछले लॉकडाउन के भी कैबिनेट मीटिंग जी सी वो पंजाब के आम आवाम की मुश्किलों वास्ते नहीं सी कि असी राशन देिए, गरीबों की मदद करिए, वो सारी मीटिंग जी सी शराब की पॉलिसी को लेकर कैबिनेट मीटिंग रखी गई सी जदों करफ्यू भी लग्या होया सी पंजाब। सो मैं तो सारे अपने सत्कारयोग वीर भैन बच्चों बजुर्गों को कहना चाहना कि आपां नूं तां उन्होंने रब आसरे छड्ड दिता वा, हुण आपां सारा जिन्ना कि त्याग कर सकते जिहड़े बहुत जरूरी काम ने तुहानूं बाहर जाण वास्ते जरूर जाओ, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति करके अपना काम कर रहे हो। जिन्हां नूं कोई काम नहीं गा, जिहड़े महज तफरी वास्ते या बाजारां विच उद्दां घूमण लई जांदे ने, कुछ भी हो सकदा, क्योंकि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जी उन्होंने लेटेस्ट रिसर्च आई, उन्होंने कहा कि जो ड्रॉपलेट्स ने जो वायरस स्प्रेड कर सकती, पहला क्या सी 3 फुट की दूरी तक जा सकते हैं, फिर क्या है 6 फुट की दूरी तक हवा च रह सकते हैं, हुण उन्होंने कहा कि 12 फुट की दूरी तक भी ये वायरस कुछ घंटे हवा के रह सकती है, जिदे करके तुसी इसनू वायरस नू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसलिए जिन्ना क आप अपना बचाव कर सकते उसनू करन दा उपराला करिए। और मेरी कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणां नू भी नाल बेनती आ कि कुछ ना कुछ तो तुसी एहतियात कंट्रोल करो, तुसी अगर इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो उसनू कुछ लिमिटेड तरीके दे नाल चलाओ, अगर तुसी सैल्फ इंप्लॉयड लोगों जिहड़े जिन्हां दी आमदन बंद हो रही है क्योंकि आप पता उन्होंने कुछ दे नहीं सके, सिर्फ 500 रुपये का राशन दिता, उहदे ते भी साडियां फोटोआं होणियां चाहीदियां ने। पिछले 2 महीनों के 500 रुपये का राशन दे के अपना पल्ला झाड़ लिया पंजाब सरकार ने। तुसी अगर खोलना भी चाहते हो तो उन्हों किसी फेजिज़ में खोलो, किसी टाइमिंग से नाल खोलो, जिदा तुसी पहला खोलिया सीगा 4 to 5 घंटे काफ़ी सीगा, उहदे नाल जिहड़े आम एसेंशियल कमोडिटीज़ सीगियां, रोज़मर्रा दी चीज़ां सी, लोग लैण विच कामयाब होए सीगे और ठीक चल रहा सीगा। पर आ जिहड़ा सारा टोटली खोल दिता वा और रेस्टोरेंट्स भी खोल दिते और सारे होटेल्स खोलते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलती है, मन लिया कि लोगों के जरूरी कामकार ने, पर वो की कहिंदे आ कि जान है तो जहान है, जे जान ही नहीं गी तो फिर बाकी सारिया गल्लां व्यर्थ ने। इसलिए मैं समझदा कि सरकारां नूं अपने कल्ला आमदन के साधन नूं नज़रिया नहीं बनाउणा चाहिए, उन्होंने जनता की आम आवाम की भलाई का काम देख के, उहदा भविख देख के, उहनां दी सेहत नूं, उहनां नूं जो खतरा इस वक्त आ रहा उसनों मद्देनज़र रख के फैसला लेना चाहिए और एक बार बैठ के अच्छी तरह फिर रिव्यू करन कि पंजाब दे विच लिमिटेड लॉकडाउन किया जा सकता वा, और अगर खोलना वा तो उसनों फेजिज़ विच खोलन या रोटेशनल खोल लैन। कई तरीके ने, बहुत सारे होर विद्वान बैठे ने सरकारां दे कोल, इन्ने अफसर बिठाए ने चंडीगढ़ दे विच जिहड़े IAS कहिंदे ब्यूरोक्रैट्स ने, कहिंदे बेस्ट माइंडस ने, तो फिर इन्ना भी नहीं सोच सकते कि किसी चंगे तरीके दे नाल पंजाब नूं खोल के तो उहदा जिहड़ा है काम भी चल सके, बीमारी से कंट्रोल भी कर सके। पर पेंडिंग ऑल दिस आई कैन ओनली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जिन्ना भी एहतियात कर सकते अपना एहतियात करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। दस दिए कि बीते दिनी सरकार ने कोरोना की फैल रही महामारी देखद शनिवार एतवार को लॉकडाउन करने का फैसला किया, पर अगले ही दिन फैसले को बदल दिया, लॉकडाउन को शनिवार शाम 5 बजे तो सोमवार सवेर तक कर दिया। दूजे पासे कोरोना भी इन्हीं दिनी होर जोर फड़न लगे। बीते दिनी मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण दौरान मनिया कि पंजाब विच आउंदे दिनों विच कोरोना हाले होर भी तेजी नाल फैल सकता है, अजिहे विच सचमुच ही लोगों नूं अपना बचाव हुण खुद ही करना पएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल। मेरा नाम नीलम है, मेरे घर का नाम सरदार सूबा सिंह, असं पिंड आलेवाल के रहने वाले हैं, फिरोजपुर जिला फिरोजपुर। तो मेरे कैंसर हो गया 2000 तो मैं PGI चंडीगढ़ तो इलाज करवाया जी, उतो ऑपरेशन किया, उन्होंने मेरा ऑपरेशन करता, तो इलाज लूज तो बाद मैं 2 साल बाद फिर कैंसर फुट पिया। फिर मैंने इन्होंने दसिया रोमोस्टैटिक वाले का, फिर मैं इतने चली गई तो इतने मैंने जानद उन्होंने 8 दिन की दवाई दी, तो 8 दिन बाद मैं थोड़ा फर्क पैना शुरू हो गया कि मैं पहला ऐसा कि नहीं बचती, फिर मर के जो इन्हें दवाई दी तो मैं बहुत फर्क पै गया, 8 दिनों से थोड़ा जहा पैना फर्क हो गया, 3 महीने का इलाज से इन्हों भी 3 महीने से दवाई खावे फिर ठीक करा तेन, वो 3 महीनों के भी मैं 8 दिन घट ही खाती दवाई तो मैं ठीक हो गई बिल्कुल। फिर मैं इतों बागी तो करवाया, CT स्कैन करवाई, सारे टैस्ट दोबारा करवाए भी कैंसर हो फिर रहता नहीं गया कि, वो कहते नहीं जी हूँ तू बिल्कुल ठीक है।